जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अनीता और हमारे चैनल स्प्रेटली अनीता में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं मूंग दाल खस्ता कचौरी। ये वही मूंग दाल खस्ता कचौरी ग्राइंडर में पीस लेंगे। पेस्ट को हम बहुत महीन नहीं पीसेंगे, हल्का दरदरा सा पीसेंगे। इसमें 4 से 5 लाल मिर्च डालेंगे, 4 से 5 लौंग, 2 छोटी इलायची, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच जीरा और 1 फाइन सा पेस्ट तैयार करेंगे। कढ़ाई को गरम करके लगभग आधी कटोरी तेल डालेंगे, 1 चुटकी हींग, 1/2 चम्मच अजवाइन। इसके बाद पिसा हुआ पेस्ट डालकर अच्छी तरह चलाएंगे। ऊपर से कुछ मसाले जैसे हल्दी, धनिया पाउडर, काला नमक, खटाई पाउडर, डालकर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 20 से 25 मिनट तक हम इसे मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। पच्चीस मिनट हो गया है और हमारी मूंग दाल का पेस्ट अच्छे से भुन गया है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे 10 से 15 मिनट ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारा दाल मिक्सचर ठंडा हो रहा है, तब तक हम कचौरी बनाने के लिए लोइयां तैयार कर लेंगे। कचौरी को तलने के लिए हम अच्छी तरह तेल को गरम करेंगे। जब तक हमारा तेल गरम होगा, तब तक हम कचौरी बनाते हैं। गुथे हुए मैदे की छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे और उसे बेलन और चौके की सहायता से छोटी छोटी पूरियां बेलेंगे। इसके बाद बीच में मिक्सचर को भरकर मोड़ देंगे।
फिर सांचे में डालकर प्रेस करेंगे हल्का सा, बंद करके सांचा दबा देंगे। कचौरी हमारी तैयार है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। कचौरियों को तलने के लिए हम फ्लेम को मीडियम से लो करेंगे और लो ही फ्लेम पर हम पूरी कचौरी तलेंगे जब तक इसका कलर ब्राउन न हो जाए। इसी प्रोसेस से हम सारी कचौरियों को बना सकते हैं और मनचाहा आकार दे सकते हैं। कचौरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गोल सांचा लिया है और त्रिभुजाकार सांचा भी लिया है समोसे के आकार का। पहले गोल सांचे में बनाएंगे। ये देखिए गोल कचौरी हमारी तैयार है। अब हम तिकोने सांचे में कचौरी बनाएंगे समोसे के आकार के। तो फ्रेंड्स, आप कचौरियों को अपने मनचाहे आकार में बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने दो आकार में बनाए हैं, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। सारे समोसे को इसी तरह बनाकर अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी मूंग दाल खस्ता कचौरी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।